अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में जान लेने का अख्तियार नहीं है। बेशक हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के ग़ुलाम है, जानदार भी और बेजान भी। अल्लाह जिसको भी हुक्म दे देगा, बेजान को भी हुक्म दे देगा तो जानदार बन जाएगा, और जानदार को भी हुक्म दिया तो बेजान बन जाता, वो तो पत्थर की लकीर है। कुरान में खुद फरमा दिया गया और कुरान ने खुद बता दिया कि हर चीज़ पे अल्लाह कादिर है, कुरान ने भी खुद फरमा दिया। लेकिन अल्लाह ने मौत से पहले भी दो मौत रखी है, एक मौत है हराम मौत और दूसरा मौत है मौत से पहले, और एक मौत है शहादत की मौत है। दोनों भी मौत इंसान अपने हाथ से मरता, लेकिन अल्लाह को क्या बोलते तो शहादत की जो मौत है, सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया कि शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद जिंदा है और हम उसका रिस्क उसको बरोबर पहुँचाते चौथे आसमान पर, और अल्लाह बहुत खुश हो जाता जो अल्लाह के राह में शहीद होकर शहादत की मौत पाता। ये कुरान के अंदर सूरह अल इमरान में बता दिया। हाँ, मौत से पहले और एक मौत है हराम मौत, जो कि सुसाइड कर करना है, तो वो बहुत ही गलत बात है। वो कहाँ, उससे अल्लाह नाराज़ हो जाता। शहादत की मौत से खुश होता और ये मौत से हराम मौत से नाराज़ हो जाता। इतना भी नाराज़ कि अब अल्लाह नाराज़ होगा तो अल्लाह वाल क्या बोलना बयान नहीं कर सकते, तुम्हारी दुनिया भी लूट गई आखिरत भी लूट गई, अल्लाह का नाराज़ होगा। इसलिए कभी करीब मत जाओ, अल्लाह ने फरमा दिया हराम मौत के, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। और हराम मौत में दो पार्ट फूटते, एक अपने हाथ से खुद सुसाइड करके मरना, और दूसरा जादू टोने से जो मारते वो भी उसमें ही आता, उसके थ्योरी में आता। वो सारा बड़ा डिफिनेशन है, उसको समझाने को उतना मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इन शॉर्ट में तुमको बता दिया हूँ, उतना उससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। तो मौत हर चीज़ अल्लाह के हाथ में बेशक, मगर मौत से पहले भी मौत रखा भाया ना समझ में कि हराम मौत। तो जादू टोना जो है, जादू टोने से जो मारते इंसान को मुद्दत बन कर, तो वो ये हराम मौत में शामिल होता है। कह में शामिल है वो इस हराम मौत में आ जाता, क्योंकि हराम मौत के भी दो पार्ट्स, उसके भी थ्योरी के टू पार्ट्स बैठते हैं। पहला पार्ट, तुम खुद सुसाइड करके मर रहे तो बहुत गलत बात है, वो डायरेक्ट हराम मौत में चलेगा। दूसरा पार्ट, किसी ने अगर जादू टोना करके किसी को मार रहा है मुंह बनकर, तो वो भी हराम मौत में ही जाता जो मौत से पहले दो मौत रखे वाले उसमें। तो वो कैसा जाता है कि पहले उसमें भी फिर दो पार्ट्स बढ़ते हैं और उसके अंदर अलग अलग थ्योरी है कि तुम अगर जद्दोजहद करते हुए अल्लाह के कलाम से जादू टोना हटाते हुए मुद्दत काटते हुए अगर उस दौरान मर गए तो शहादत का दर्जा मिलेगा, क्योंकि तुम अल्लाह का कलाम लेकर लड़ रहे थे किससे, जादू टोने से। और अगर तुमने ना माने, चला दिया अल्लाह, और तुमने बोले कि नहीं हम मानते नहीं ऐसे बातों को, आई कॉन्ट बिलीव इट, हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते, तो फिर हराम मौत ही चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुमको बता दिया था और तुम्हारे अल्लाह ने अपने ऊपर उसके ऊपर वो नहीं रखा कोई बात। क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारे को पहले एक्सप्लेन करा दिया उन्होंने तुम पर जादू टोना, जाओ तुम जाकर कुरान की मदद लेते हुए काटो तो तुम शहीद होंगे लड़ते लड़ते जद्दोजहद में, अगर उसमें मर गए तो, और ना मरे तो बच गए, अगर कट गया पूरे तरीके से सही तरीके से तुमने वक्त पे संभाल के काट लिया। और अगर तुम जादू को जादू से काटने का सोच रहे तो बहुत ही गलत बात है, जादू एक बार भी जादू से नहीं कटता, क्योंकि फैज़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और ज़ख़म पे मरहम जो लगता ना, ज़ख़म दिंगा शैतान मगर मल्लम नहीं लगा सकता उसके ऊपर, मरहम लगाने वाली ज़ात अल्लाह की है, फैज़ देने वाली ज़ात अल्लाह की। ये बात हमेशा ज़हन में बिठा के रखना कि काला जादू काले जादू से नहीं कटता, काला जादू सिर्फ अल्लाह के कलाम से कटता, क्योंकि सातों ज़मीन सातों आसमान में सबसे ज़्यादा ताकतवर जो किताब है तो अल्लाह की, और वही काट सकती उसको, क्योंकि फैज़ देने वाली ज़ात अल्लाह की, और इबलीस की का क्या काम है लोगों को जहमत देना काला जादू ये सब चीज़ों का। ये बहुत इन शॉर्ट में मैंने थ्योरी समझाया, ये बहुत बड़ी थ्योरी है मगर एकदम इन शॉर्ट के अंदर इतना टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने मुख्तसर अंदाज में बयान करा। इस पे से अंदाज़ा लगा लो कि कैसी दुनिया है, क्या क्या दास्तान चल रही है, बहुत सारे मसले, और वो बहुत बड़ी दुनिया है जादू टोने की, इतनी बड़ी है इतनी बड़ी है। उस वास्ते तो अल्लाह ने फरमा दिया ना कि करीब मत जाओ, इंसान को समझ में आए आए तक उस पर जब चलता तो इतना आखिर तक पहुँच जाता उन्हें कि जब पूरा तबा बर्बाद होता, जब पूरा मौत की मुंह चल जाता, जब उसको पता चलता कि ऐसा कुछ है बोलकर, बहुत लेट हो जाता उन्हें उसको पता चलता। चलो खैर, तुमको अल्लाह करने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, इसलिए मैं बार बार कहता कि दुआ मोमिन के लिए हथियार रखा हुआ है, करनी कौटाला है जादू टोने। वाकई में मैंने दुनिया को प्रैक्टिकल करके बताया, मैंने ऐसा कोई कहानियाँ और किताब नहीं पढ़ के नहीं सुनाया, मैंने जो दुनिया को बताया सबके हैरान अखल करके रखा हूँ। देखे ना लोगों ने अल्लाह के कलाम की तरह सब क्या है, प्रैक्टिकल नहीं बताया तुमको, ओवरऑल ये किसकी कहानियाँ और किससे नहीं सुना, बस मैं इतना ही कहूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम लोग अमल करो, एक बात भी जहन में बिठा दिया तुम्हारे कि मौत से पहले भी मौत है, इस वास्ते कुरान को समझ के पढ़ो, सूरह अली इमरान की तफसीर पढ़ो, उसमें तुमको समझ में आएगा, और भी दूसरे सूरों की तफसीरें पढ़ो, तुमको सब समझ में आएंगी सारी दास्तान। कुरान को ढाल बनाकर यूज़ करो तो तुम दुनिया में जी सकते हो। मेरे ख्याल से ना ये दुनिया भाई छोड़ दे नहीं, जादू टोने की दुनिया बहुत बुरी है, ठीक है, उसके करीब नहीं जाना, जादूगर की भी आखिरत और दुनिया सब तबाह बर्बाद हो जाती है, और
उसके पास जाने वाले की भी। ये बहुत ही बुरे दास्तान हैं, बहुत ख़तरनाक बातें हैं, इसलिए बेहतर है कि हर किसी को तो मरना ही है, लौट के ही जाना है, तो फिर अल्लाह के सामने जाके क्या मुँह बताएंगे ऐसा एक दूसरे को जादू टोने करेंगे, तो बहुत गलत बात है। वो अस्तग़फ़ार करना ज़्यादा से ज़्यादा रात में सोने से पहले, आज रात में सो रहे तो कल सुबह में उठने का भरोसा नहीं है, रात में पानी पीने को भी उठने का भरोसा नहीं है, 10 मिनट में मर सकता है इंसान, पलक मारने से पहले भी मर सकता, सब अल्लाह की कुदरत है, इसलिए ऐसे हरकतें नहीं करना, ठीक है। चलो कहने सुनने ज़्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, नमाज इबादत ही तुम्हारी ढाल है। चलो ठीक है, चलो खैर, अल्लाह तुमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। दुआ मोमिन के लिए हथियार है, बस बार बार इतना कहूँगा कि दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को और क्या बोलूँगी, तो बहुत कुछ देखा मैंने, मैं जो बयान कर सकता, अल्लाह तुमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, ठीक है। नाक में दोनों खांदों पे और पीठ पे से लकीर खींचो, नाक में दोनों खांदों पे पीठ पे से लकीर, जगड़ लो उसको और तेजी से, पीठ पे लगाओ उसके अंदर तेजी से, चालू करो उसको पानी आ रहा है, झगड़ो उसको और देखो नाक में लगाओ उनके, हाथ लगा के देखो, क्या कर रहा था तू 35 साल से? अच्छा दिखा तो आ गई हूँ। तेरा दी तेरा। कौन है तू? औरत है, आदमी है? आदमी हूँ। मारे आला है, जिन्नात है? मारे आला इंसान है, जिन्नात है? कौन है? जिंदा हूँ। जादू आटो ने कर रहा? जिन्नात हूँ मैं जिन्नात हूँ। सारी दास्तान सही से बोलने तो तेरे दोनों हाथ तोड़ देता हूँ। कभी बुड्ढा बन के आ, तो कभी सांप बन के आ, तू कभी धड़ने से आदमी आ, तू और दम कर लो, जोर से और जोर से, कितनी ताकत है तेरी, अपने अपनी दुनिया में जाके मराना थी, वहां पे क्या करने का तेरे को, तो हाँ नालायक, आग लगाओ उसके अंदर, क्या परेशान कर रहा था और क्या परेशान कर रहा था तू, लगा बुरी ताकत, जोर से और जोर से, हाँ लगा पूरी ताकत,
हाँ जोर से लगा, पूरी ताकत लगा, जकड़ो जरा उसको तेजी से, आग लगाओ उसके अंदर। क्या कर रहा था घर में, किरकिरा लगा रहा था उसके और सारे बदन में आज और गले में आज और गले में टीचर और सर में आज गले में आज गल्ला कतर को खा गया मेरा। कब मारने वाला था तू उसको पेशेंट को, क्या नाम है, कब मारने वाला था अख्तर भी को, कब मारने वाला था? थोड़े दिन में। कितने दिन में? वहाँ बैठो तुम भी। थोड़े दिन में। कैसा मारने वाला था? इतर दम दर के लिए लगाओ, दम करो, लगाओ जल्दी लगाओ, काट देंगे उसके दम हाथ। हाँ जलाओ जलाओ। जोर से और जोर से, अब उसके पेट में से आग लग गई। अब पानी लो, पानी लो, गिलास में लो, वो गिलास में दम कर रहा है। लाओ उसके पेट में से आग लगेंगे। पिलाओ, पूरा पिलाओ, पिए बगैर मत निकालो। निकल निकल निकल, जलाओ तेज से, जलाओ उसको तेज से, जलाओ उसको तेज से, जलाओ अंदर से आग लगा दो, जलाओ तेज से। कहाँ से लाए थे? कब्रिस्तान से, शमशान से, क्या खुद को खुदा था? क्या दास्तान है तेरी, बयान कर जल्दी, बयान कर तो काट दूंगा। कहाँ से लाए थे? घर में से। खुद को खुदा आया था, कोई आया था पकड़ के? 3 महीने की दुल्हन से। हाँ 3 महीने की दुल्हन से आया मैं। हाँ क्यों आया था? अच्छी दिखी तो आया था। कहाँ से आया था? घर में के धन से आया था। कहाँ से? घर में के धन से। घर में का खजाना कितना गड़े आला है? घर में के धन से। कितना है वो? 1 क्विंटल 20 किलो। हाँ सही बोल रहा, फिर कंपा क्या कर रहा? क्या लगाओ उसे नाक में, इतर लगाओ, सही बोल रहा नहीं बोल रहा? हाँ सो लगा, पूरी ताकत तेरी नाला। हाँ चल और जोर से, कितना है वो घड़ियाला? क्या तू भी घड़ियाला है? क्या है? 2.5 क्विंटल। क्या है? सोना चांदी। कहीं में घड़ियाला है? भान डेक्चे में, संदूक में, कहीं में? कहीं में है? एक घड़ा है, एक डेक्चा है। हाँ एक घड़ा है। कौन तू बिगाड़े थे? किसका था वो खजाना? हमारा ससुर है बुड्ढे का। क्या नाम था उसका? बाबू मियां सौली भी। उन्होंने गाड़ के रखे थे? हाँ। नाक पे लगाओ उसके इतर। कितने नीचे गाड़े थे उन्होंने, कितना खोदना पड़ता? दीवाल में। दीवाल में रखे। अब निकाल देंगे, वन गरीबों में बांट देंगे निकाल के। और तू उसमें बैठ के लोगों को मस्तियां करके सता रहा? कितने साल पहले रखे थे उन्होंने दीवार में? जलाओ उसको तेज जलाओ। कितने साल पहले रखे थे? कितने साल पहले? जलाओ 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 जलाओ, तेज से आग लगाओ उसके अंदर। हाँ कितने साल पहले रखे थे? 50 साल। सही बोल। 50 साल पुलिस एक्शन के टाइम पे। 50 साल पहले। मारो उसको नाला, खुद पीछे हटो, सर को पीछे, नाक में लगाओ इधर, खूब मारो, मार मार के चिंदी कर दो उसको। क्या करना तेरे साथ? सुनो मार मार
कर लेना क्या? कब से कर रहा परेशान? बहुत साल हाजिर हुआ था, हर बुधवार क्या बोलता था? ऐसी बोलता था, मैं इसके ऊपर कभी किसी का नाम लेके बोलता था, फिर वो निकाल के देखे वहाँ पे है क्या, खोद के घर छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो चार पांच भाइयों का मसला था, तो है भी कह दिए नहीं ऐसी से घर। फिर उन्होंने बोला जाके जाग देखे, अब वो चार पांच जनों के बीच में है वो, हम छोड़ देंगे 10 साल होगा वो। बन के डालो इसको, मार दे रहा अंदर से इसको, जकड़ के साथ तेज से आग लगाओ। कब पकड़ा था तूने इसको? हाँ कब पकड़ा था? 3 महीने की दुल्हन से पकड़िया था मैं। क्या पसंद आया था तेरे को ऐसा नालायक? हाँ मैं बाथरूम को गई थी तो आया था पीछे। बाथरूम तो गई थी, गई तो पीट को मारे पल्लो पकड़ को खींच को। जब से मेरे साथ इसको मारने वाला कब है अख्तर भी? मारने वाला कब है तू? अमास में पुन्नम में लगाओ उसको इधर, जल्दी बोलना तो पूरा जला देता हूँ। दम करा के लो। क्यों ना गया फिर अभी तक? 30 साल में क्यों नहीं गया? बहुत पसंद नहीं उन्हें। साथ में ले जाने वाला था, अब तक बाटल में डाल के जमीन में गाड़ दूं? बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देंगे, खैत कर देंगे तुझे। छोटी सी बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देंगे तुझे। नहीं गाड़ बाटली में डाल के, कहाँ के जमीन में गाड़ू तुझे? दीवार में गाड़ू, जमीन में गाड़ू, बाटल में डाल के, क्या कब्रस्तान में ले जाके गाड़ दू? बोल क्या, अंगूठी में उतार दू तुझे नगीने में, कैद कर दू अंगूठी में डाल के? जो चाहे वो, कैद करके ले लेंगे तेरे को, बोल। आप तू जो चाहे वो, दम करके लगाओ। सीधा लगाओ उसको नाला, उसको बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देंगे, अंदर रहेगा उन्हें बाटल में बैठ के, खयामत तक कैद, खयामत तक कैद कर देंगे उसको। बैठना अंदर अल्लाह के, सुनने नहीं आ रहा हमारे, पैखाने की भूख, पैखाने की भूख। इतर है वो, इतर मजमुआ, इतर है वो मजमुआ। पैखाने की वो पसंद आ रही थी तेरे को नाला? हाँ पैखाने में बैठता क्या खाली टाइम पे? हाँ जा गए बाबा। जला तेरा उसके अंदर था, तेजी से आग लगाओ। मैं इतने साल से आई हूँ तेरे साथ, अब नहीं जाता, बोलो तू जाने तेरी मर को। Mm-hmm.
थोकता है। जलाओ उसको तेज जकड़ लो, उसको तेज जकड़ो और जकड़ के जलाओ उसको तेज एक साथ में। तम तू जा तोबा कर जल्दी जा तोबा कर। कितने लोगों को मारा अभी तक, जबान से कर तोबा तोबा, हाथों से मार के मुंह पे बोल जल्दी, बोल जल्दी बोल, ना दो टुकड़े कर दूंगा जल्दी। हाँ सुने आना सबको, बाहर वालों को भी जोर से, देखो उनको सुने नहीं आ रहा करते, जोर से तोबा कर, पूरा मार देता हूँ, मार के भस्म कर देता हूँ जल्दी। हाँ बोल जल्दी तोबा, इधर लगाओ उन्हें, तोबा नहीं बोलता, जोर से जल्दी लगाओ। हाँ कितने जनों को मारा इसके घर से अभी तक, कितनों को मारा? कितने को भी नहीं मारा। अच्छा इसको मारने वाला था पेशेंट को, कब मारने वाला था इसको? अख्तर भी को दो महीने के बाद मार देने वाला था। कैसा मारने वाला था? उन्हें पसंद आ रही थी मेरे को, बीमारी पे डाल के मार रहा था, एक्सीडेंट करके मार रहा था, सुसाइड करा के मार रहा था, क्या कर रहा था? कैसा कैसा? एक बार एक्सीडेंट में सिर फोड़ डाला उसका। वाह रे, अच्छे कारनामे चल रहे थे। हाँ, उसके बाद? उसके बाद नहीं बोलता। ऐसा जकड़ो उसको किसी से, नहीं बोलता, जकड़ लो उसको, जलाओ उसके अंदर आग लगा दो, काट देंगे उसको। हाँ बोलना तो तोड़ दूंगा पूरा। कैसे? एक बार काट को, काट को मारने वाला था। कैसा काट को? सांप बन के। अच्छा सांप बन को काटने वाला था। हाँ, और हाँ, और अब कैसा मारने वाला है? अब कैसा मारने वाला है? हाँ बोल सही से, सही से बोल, हाँ शाबाश बोल। तेरे को बीवी बच्चे है? नहीं है। हाँ नहीं है। तुम्हारे वाला इंसान है जिन्नात है? धड़ है, मुंडा नहीं है मेरे को, खाली धड़ है बगैर मुंडी का है। हाँ मुंडी कौन काटे थे तेरी? कौन काटे थे के? पहले राजा महाराजों के जमाने में काट दिए। एक बार बुढ़ा बन को आई हूँ, एक बार जवान बन को आता हूँ, एक बार धड़ मुंडा नहीं से आता हूँ, एक बार वाइट कपड़िया पे आता हूँ, एक बार सांप बन को आता हूँ, एक बार पीछे पीछे फन निकाल को फिरतू हूँ। भेसा बदल बदल को फिर रहा जान लेने के वास्ते। वाह रे, उसको फांसी डाल को मारने वाला था, मार के कहाँ ले जाने वाला था? खजाने पे जाके बैठने वाला था उसको लेके। खजाना तेरा कौन निकाल के लिए क्या? बस अच्छे हुआ बीबी आधा खाई आधा है। कौन खाया? आधा खाई। कौन खाए? आधा खाई मेरा। कौन खाए? कौन खाए तेरा खजाना? आधा खाई। कौन कौन? आधा खाई मेरा। कौन खाया? आधा खाने से, आधा खाने से, आधा खाने से इसको सिखा कर, इसको सिखा दे, इसको सिखा दे। अच्छा तेरा आधा खजाना खाए थे, कौन खाए? इन्हें खाई निकाल दी। कई को खाई? अबे तो कौन निकाला? लगा उसको इधर, कौन निकाला था वो? कौन निकाला? कौन लिया तेरा खजाना कार्ड को? कौन आधा निकाला? एक बुड्ढा। कहाँ का निकाला? एक बुड्ढा निकाला मेरा। कहाँ का निकाला था? एक बुड्ढा निकाला। कितना निकाला उन्होंने? कितना निकाला? तू मेरे को वो गलीज बोल सुंगाने का, समझ में आ रहा? तू गलीज बोल सुंगाने से फायदा नहीं है। लाओ उसको और इधर दम करा के सुनेंगे। समझ में आ रहा तेरे को? एक उसको इतर बोलते मजमुआ। मैं कौन हूँ समझ रहा? कौन है चोर? मैं कौन हूँ समझ रहा? खजाने चुरा चुरा को लाता लोगों के, खजाने चुरा को ले जा रहे। मारो मारो उसको और मारो। खजाना कौन निकाल को लिए तेरा? कई को खाई मेरा, मेरे पैसे कई को खाई? कितने खाई? मेरे सोने चांदी दो घड़े, सोना एक घड़ा चांदी कई को खाई? कितना निकाल को लग गई? कितना निकाल को लिए थे?
कब निकाले थे, कितना टाइम हो रहा निकाल को? नहीं मालूम। हाँ नहीं मालूम। ऐसा कैसा नहीं मालूम? बेबुनियाद आरोप लगा रहा नालायक। नहीं मालूम। हाँ कब तो भी निकाल को लिए, कौन निकाल के लिया वो? कौन निकालो, कौन निकालो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। बाबू मिया निकाल को लिया। बाबू मिया, बाबू मिया। अभी कितना बचे आ रहे हैं? गलती से साफ करो, कितना बचे आ रहा है अभी? अभी कितना बचा आला है? हाँ अभी कितना बचा, कितना बचा आला है अभी? थोड़ा है अभी। कितना है, कितना है? थोड़ा है। कितना है? वो दीवार में गार्ड को खिड़की बना को रखी, उसमें है, कोई भी नहीं ले रहा वो। कितना है वो? 2 किलो 4 किलो? मेरे को तकलीफ दे रहा है। 2 किलो 4 किलो से बड़ा को है। अच्छा उसपे और कितने शैताना बैठे आले? 4 है 10 है 50 है 100 है। मैं बड़ा हूँ। और तेरे साथ में कितने फौज? मैं बड़ा हूँ, एक जना है और एक। सब मिल के बैठे आले उसपे? एक है हिफाजत को, एक बच्चा है, एक है, एक है, एक। बाबू मियां कब काला सोए हो? क्या निकाल को लिया था उन्होंने? देख चा भांडा। हाँ वो आते देख चमड़े के। हाँ चमड़े के आते देख। क्या रहे थे चमड़े के? क्या रहते फिर कुछ मालूम? सब मैं नहीं बोलता ना, तेरे मुंह से पूछूंगा मैं। तेरे कुछ मालूम? मैं बोले अल्लाह को यकीन करेंगे, तेरे मुंह का यकीन करेंगे लोग। चलो इसको मारो, इसको जंजीरा डाल के बंद डालो इसको। अब जंजीरों से बंद के इसको जला जला के खत्म करेंगे तेज एक साथ में। अब लो चलो पानी। खैर अब जो भी है दूसरी दास्तान और भी बहुत सारे बातें हैं, खैर आगे ग्राउंड में पूछूंगा दूसरे चक्कर में। जैसा अमल बताएंगे उस तरीके से उनके अमल हम सब करा दूँ, राइट करा तो अल्लाह करा। पिलाओ पानी। कितने महीने के बाद मारने वाले? कैसा मारने वाला है रे? बीमारी दाल को एक्सीडेंट कर को कैसा मार रहा है? कौन किसका नाम दिया उन्होंने? कौन थे वो? दादा थे, कुछ खोदे करे थे क्या? कुछ निकाले थे क्या? खेत में नागर मार तो खुद निकाले बोल के बोलते थे बड़े। फिर क्या करे थे उन्हें? उसके बाद से उन्हें तो बोला मेरा निकाल को लिए क्या करे क्या करे। हम तो बचपन में, हम 10 साल 12 साल छोटे थे, बहुत पहले बोलते थे कि मतलब खेत में कुछ मिला था तो घर में लाके ऐसा कुछ रखे थे, ऐसा तो बोलते थे। उस पे मैं शहजाद ने सुना रहा हूँ सब, और भी है बोल रहा उसके ऊपर बैठे ले। खैर अब इंशाल्लाह जिस तरीके से अमल है उस तरीके से अमल करा, सब राइट करा देते दूसरे राउंड तक। और भी पूछेंगे उसको सब पूरी दास्तान क्लियर कट। आते वक्त घर की मिट्टी लेकर आना, फिर उस हिसाब से उसको मिट्टी बता के क्या दास्तान चाहिए सब सुना के रफा दफा करा देंगे उसको, बस हम तीसरे चक्कर तक बस हम करा देते तरीके से अमल कराओ। ठीक है कहाँ से आए थे आप लोग? जहीराबाद से, सदाशिवपेट से। कहाँ से? तेलंगाना, हैदराबाद के करीब। जहीराबाद, हैदराबाद, सदाशिवपेट से। इसमें तेलंगाना में बहुत दूर है। हैदराबाद से संगेरेड्डी इधर आता है, उधर जाता है हैदराबाद में, पहले आता है हैदराबाद से, इधर से जाते खुद में हैदराबाद। कर्नाटक में तेलंगाना में है, आंध्रा में, तेलंगाना में। हैदराबाद के बिल्कुल बस से 15 मिनट आधा घंटे का रास्ता है हैदराबाद। चलो ठीक है खैर अब जैसे ही तरीके से हमला कराओ सब राइट करेंगे। सब बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारी दास्तान है। और आते वक्त दूसरे चक्कर में उस जगह भी की मिट्टी लेकर जो भी घर है पुराना, अच्छा क्योंकि वहाँ से अटेज है ना। ठीक है क्यों डरते हम लोग? रहते हम लोग बात नहीं करते, उधर से कोई किरकिरा चल रहे है के वास्ते। ये जो घर का मसला वार्ड लेने का, ये क्या क्या के मसले हो? सदाशिव तुम्हारे ठीक है चलो।
अगले चक्कर में बाकी का सब बताएंगे क्या क्या और भी दास्तान जो भी खुला कर बुखार उस तरीके से मत कराओ ठीक है चलो।